बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। ईरानी संदिग्धों की तलाश में ताबड़तोड़ रेड पड़ रही है। दिल्ली पुलिस और एजेंसीज ईरानी संदिग्धों की तलाश में हैं। दिल्ली में कहीं भी ईरानी संदिग्ध छिपे हो सकते हैं और इनको लेकर यह रेड की जा रही है। तो बड़ी खबर, एक बार फिर बता दें कि इजरायली दूतावास के पास ये छोटा धमाका हुआ था जिसमें ईरान के तार जुड़े होने का जिक्र सामने आ रहा है। दिल्ली में कहीं भी ये छिपे हो सकते हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ईरानी संदिग्धों का नाम अब सामने आ रहा है, उनका जिक्र किया जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर? आज सुबह से क्या हलचल हुई? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इज़राइल ने इसमें सीधे तौर पर टेरर लिंक बताया है तो उसके बाद भारतीय जांच एजेंसियों की तफ्तीश है उसमें भी तेजी आ गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो FRRO है उससे जितने भी ईरानी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान आए हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, उनकी एक डिटेल मांगी है। इसके अलावा दिल्ली के तमाम होटल्स में जहाँ जहाँ हाल फिलहाल में ईरानी ठहरे उनकी भी डिटेल्स इस वक्त दिल्ली पुलिस खंगालने में जुटी हुई है और कई संभावित ठिकानों पर इस वक्त रेड भी चल रही है। हालांकि दो संदिग्ध जिनको CCTV कैमरे में देखा गया था उसके कैब ड्राइवर के मुताबिक उनका हुलिये का एक स्केच बनाया गया है जिसके बाद लगातार तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। और साथ ही शुरुआती तफ्तीश में जो सैंपल यहां से उठाए गए थे विस्फोट के उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो बॉम्ब था ये घर के अंदर ही बनाया गया था। इसका ID जो था घर के अंदर ही सेट किया गया था जिसको बाद में ठीक इस जगह, मैं चाहूँगा कैमरामैन से आपको दिखाएं, ये देखिए ठीक इस जगह यहाँ पर प्लांट किया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद रोड है और ठीक सामने जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है ठीक वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था। झाड़ियों के पास ये रखा गया था मट्टी के अंदर दबाकर, उसके ऊपर हालांकि बताया प्लाईवुड का फट्टा भी रखा गया था। तो फिलहाल तफ्तीश इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी तेज कर दी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान हो सके और उसके लिए यहाँ आसपास जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज भी खंगालने की कोशिश फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। कह रहा था कि शायद स्केच भी बनाए गए हैं यहाँ पर CCTV फुटेज के आधार पर, और 1970 जिसका जिक्र था उसका कोई खुलासा हो पाया पिंक दुपट्टे का या बाकी थ्योरीज जो सामने आई थी? जी देखिए, वो अभी साइंटिफिक अगर कहें तो अभी उनकी जांच होनी है। CSF जो फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी उन्होंने उस दुपट्टे का टुकड़ा लिया है। इसके अलावा जो CCTV कैमरा, मैं चाहूंगा एक बार फिर कैमरा मैंने आपको दिखाया ठीक सामने जो आप ये पोल देख रहे हैं वहीं पर वो CCTV कैमरा लगा हुआ है। बताया जाता है कि CCTV कैमरे के अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसमें सन 1970 की डेट आ रही है। लाइव फुटेज तो देख सकते हैं लेकिन उसका जो बैकअप है, एक और अहम खबर आ रही है उस खबर के बाद भी आपके पास आएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सभी ईरानी नागरिकों की जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने FRRO से सभी ईरानियों की डिटेल मांगी है। पिछले महीने में दिल्ली आए ईरानियों पर पुलिस की विशेष निगाहें रहेंगी। होटल में ठहरे ईरानियों की जानकारी इकट्ठा फिलहाल पुलिस कर रही है। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इसके बाद तमाम ईरानियों की जान पहचान जो की जा रही है, और ये तब जब इसराइल ने सीधे सीधे आरोप लगाया।